रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव के करीब आते ही सपा रालोद को मिला किसान नेता नरेश टिकैत का समर्थन। लोगों से कहा गठबंधन प्रत्याशियों को जिताओ। अराजनैतिक भारतीय किसान यूनियन ने सपा गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। सिसौली में भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गठबंधन के दो प्रत्याशियों को बाकायदा सिंबल पत्र भी दिए। वहीं पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी तक कोई चुनावी अपील नहीं की है, लेकिन भाकियों अध्यक्ष के कदम से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने अपने पुराने साथी और दो बार के विधायक रहे राजपाल सिंह बलियान को बुढ़ाना सीट से रालोद का टिकट दिया है। सिंबल मिलने के बाद राजपाल सिसौली पहुंचे। थोड़ी देर बाद ही मीरपुर से गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान भी वहां पहुंच गए। दोनों प्रत्याशियों ने नरेश टिकैत से आशीर्वाद लिया और उनके हाथों सिंबल पत्र भी लिया। नरेश टिकैत बलियान खाप के चौधरी भी हैं। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि जहां भी गठबंधन प्रत्याशी हो उसको जिताओ। ये चुनाव आपकी प्रतिष्ठा और परीक्षा का है। सभी अच्छी तरह से चुनाव को लड़े। दल बदलू स्वामी किसी को क्या सीएम बनाएंगे। मौर्य संघ अखिलेश पर भी खूब बरसी मायावती। बताया क्यों नहीं लड़ रही चुनाव। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने खुद को पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का एकमात्र दावेदार बताते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शनिवार को अपने जन्मदिन के मौके पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा हमला करते हुए मायावती ने कहा, दल बदलू स्वामी प्रसाद मौर्य किसी को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। वास्तव में बसपा में आने के बाद ही उनकी किस्मत खुली और एमएलए बने। बहुत पहले पार्टियों में रहे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। उनके जो भी दावे हैं वे सब बेकार हैं, वह सब हवा हवाई बातें हैं। बीजेपी वाले सर्व समाज के बहाने इसको ढोते रहे। अब उनकी जुबान कैसी है ये सभी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2012-2017 के दौरान सपा सरकार ने SC ST का सरकारी ठेकों में न सिर्फ आरक्षण खत्म किया बल्कि इस वर्ग के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म किया। मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त किया। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। यूपी चुनाव 2022 के करीब आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिरातू से लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन की तारीख घोषित होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सपा रालोद गठबंधन और फिर बसपा की सूची आने के बाद सभी की निगाह उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची पर लगी थी। भाजपा ने पहले चरण के 58 में से 57 तथा दूसरे चरण की 55 से 48 सीट पर प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा ने अभी तक कुल 107 सीटों पर प्रत्याशी का नाम घोषित किया है। भाजपा ने 105 टिकट में 63 विधायकों को दोबारा टिकट किया है। इसके साथ ही इस बार 21 नए पार्टी प्रत्याशियों में युवा महिला तथा डॉक्टर को जोड़ा गया है। माना जा रहा है कि पार्टी योगी आदित्यनाथ को रामनगरी अयोध्या ने चुनाव लड़ाई की। भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनाव के मैदान में उतार दिया है। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में अपनी चिर परिचित सिराथू से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों तथा रोड शो पर रोक 22 तक बढ़ी। पार्टी की बैठक में भी शामिल नहीं हो सकेंगे 300 लोग। उत्तर प्रदेश में होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर निर्वाचन आयोग सख्त होता नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैली के साथ रोड शो पर रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। इस चरण का नामांकन 21 जनवरी तक होगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को डिजिटल तरीके से प्रचार करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर निर्वाचन आयोग भी सतर्क है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में हर प्रकार की चुनावी रैलियों तथा रोड शो पर रोक लगा दी है 22 जनवरी तक। ये रोक पहले 16 जनवरी तक थी। उत्तर प्रदेश में रैलियों तथा रोड शो पर प्रतिबंध लगाने के साथ आयोग ने किसी भी पार्टी की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या को 300 तक निर्धारित कर दिया है। आज हालात की समीक्षा करने के बाद उन्होंने रैलियों पर बैन को एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने पार्टियों को आदेश दिया है कि वह सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। विकास की नीति नहीं मुफ्त वादों पर टिका पार्टियों का चुनावी भविष्य। सभी दलों ने लगाई मुफ्त वादों की झड़ी। 5 राज्यों के हो रहे चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों की झड़ी ने ठंड के इस मौसम में उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक सियासी गहमा गहमी के पारे में इजाफा कर दिया है।
चुनावी बाजी अपने नाम करने के लिए जिस तरह मुफ्त मोबाइल, टैबलेट, गैस सिलेंडर, नकदी देने से लेकर मुफ्त बिजली पानी और यहां तक कि तीर्थ यात्रा के वादे करने की होड़ मची है। इससे साफ झलक रहा है कि जनता का भरोसा जीतने के लिए पार्टियों को अपनी नीतियों पर ही भरोसा नहीं है। देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में मुफ्त वादों को लेकर सियासी गर्माहट का आलम यह है कि भाजपा, सपा और कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी भी बढ़ चढ़ कर लुभावने वादों की झड़ी लगा रही है। 3 दशक से उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी प्रासंगिकता की बहाली का प्रयास कर रही कांग्रेस ने तो इस मामले में इन दोनों दलों को पीछे छोड़ दिया। महिलाओं को 40% टिकट के सियासी वादे पर अमल करते हुए सत्ता में आने पर कांग्रेस कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटर, स्मार्टफोन, साल में 6 रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा कर रही है। इतना ही नहीं, पार्टी सूबे में महंगे बिजली बिल से राहत के लिए मुफ्त 50% कमी और सिंचाई की बिजली मुफ्त करने का वादा भी कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा जदयू की राही हुई जुदा। मुजफ्फरपुर में लोग पूछ रहे खेला होवे। बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी घमासान चरम पर है, किंतु उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। बिहार के लोगों की कुछ खासी है, इसकी वजह है कि बिहार सरकार के 2 सहयोगी दलों का भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना। दरअसल वर्तमान बिहार सरकार के 3 प्रमुख सहयोगी दल भाजपा, जदयू और विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अलग अलग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा और वीआईपी की राह तो पहले ही अलग हो गई थी, अब जदयू ने भी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। बात केवल इतनी भर नहीं है, कुछ दिन पहले रजत के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तथा जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को फिर से महागठबंधन में आने का न्योता दिया था, मगर मकर संक्रांति के बाद खेला होवे की बात कही थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बहाने ही सही भाजपा और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की राह अलग होने के बाद बिहार के लोगों को इसके परिणाम की चिंता होने लगी है। यह मुजफ्फरपुर के लोग दबी जुबान से ही सही एक दूसरे से पूछ रहे हैं खेला होवे। उनका कहना है कि आगामी विधान परिषद चुनाव के दौरान भी थोड़ा बहुत प्रभाव महसूस किया जा सकता है। वैसे राजनीति की चाल इतनी भी सीधी नहीं होती है, केंद्र में अब भी भाजपा की सरकार है और इसके प्रभाव को कम नहीं आका जा सकता है। क्या सरकार के खिलाफ फिर बिगुल फूकेंगे राकेश टिकैत? 31 जनवरी को एसकेएम का वादा खिलाफ है दिवस। केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेकर किसान आंदोलन को तो समाप्त कर दिया, लेकिन राकेश टिकैत की सक्रियता अभी भी कम नहीं हुई है। वे लगातार केंद्र पर दबाव बना रहे हैं, एमएसपी की मांग उठा रहे हैं और लखीमपुर मामले में अजय टेनी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाने जा रहा है। एसकेएम ने उन लोगों पर भी निशाना साधा है जिन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति में कदम रख दिया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि जिसने भी किसानों का संगठन छोड़ा है और राजनीति करने का फैसला लिया है, उनका एसकेएम से कोई लेना देना नहीं है। वैसे किसानों ने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा है। एसकेएम के मुताबिक लखीमपुर हिंसा में किसान साथियों के मर्डर का मुलजिम बनाकर सरकार ने जेल में बंद कर दिया है। वे 21 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो सकते हैं। यहां तक कहा गया है कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो वे उस मोर्चे को और आगे लेकर जाएंगे। ऐसे में चुनावी मौसम में योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। एक दिन भी साइकिल नहीं चला पाए इमरान मसूद। सपा में टिकट न मिलने पर हाथी की सवारी की चर्चा। 11 जनवरी को सपा में हुए थे शामिल। सहारनपुर की सियासत में एक बार चर्चा है कि काजी इमरान मसूद साइकिल की सवारी छोड़कर अब हाथी की सवारी करने जा रहे हैं। सपा में अनदेखी और टिकट न मिलना कारण बताया जा रहा है कि बेहद से दामाद शयान मसूद और देहात सीट मसूद अख्तर को लड़ाना चाहते थे चुनाव, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बेहद से उमर अली और देहात से अंशु मलिक का टिकट तय माना जा रहा है। हालांकि सपा की सूची अभी नहीं आई है। 2022 विधानसभा चुनाव से 6 माह पहले से चर्चा थी कि इमरान मसूद सपा ज्वाइन करेंगे और हुआ भी वही। कांग्रेस का हाथ छोड़कर वह साइकिल पर सवार हो गए। हालांकि कांग्रेस में पिछले 6 माह से निष्क्रिय थे, जिसके लिए उन्होंने 10 जनवरी को अपने समर्थकों की सभा बुलाकर राय सुमारी की थी और 11 जनवरी को लखनऊ के एक बंद कमरे में देहात के सिटिंग विधायक मकसूद अख्तर के साथ सपा ज्वाइन की। इमरान को टिकट न मिलने का संशय बना हुआ है और अपनी राजनीति बिसात भी जल्द बिछानी है। ऐसे में बसपा में जाने की चर्चा चल रही है। इमरान मसूद 5 दिन भी साइकिल नहीं चला पाए। आपको बता दें कि हालांकि एक बार 4 बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा। 2017 के विधानसभा चुनाव में इमरान ने सहारनपुर में कांग्रेस का सूखा खत्म किया था। बेहट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सैनी और देहात से मकसूद अख्तर को रिकॉर्ड जीत दिलाई थी। इमरान के सपा छोड़कर बसपा में जाने के बाद सहारनपुर की राजनीति के अलग समीकरण होंगे।
भाजपा में शामिल हो सकती है मुलायम की बहू अपर्णा यादव। इंटरनेट मीडिया पर चर्चाओं ने पकड़ी तेजी। बड़े नेताओं के दल बदल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के भाजपा का दामन थामने के बाद अब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपर्णा लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हो सकती हैं। इसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर खूब संदेश वायरल हो रहे हैं। अपर्णा यादव मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। भाजपा के तीन मंत्री सौम्य प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान व धर्म सिंह सैनी के पार्टी छोड़कर सभा में शामिल होने के बाद दल बदल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान जारी है। हालांकि भाजपा या फिर अपर्णा यादव की ओर से अभी इन चर्चाओं को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को संबोधित नोटिस में गौतमपल्ली पुलिस की ओर से लिखा गया है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है, इसका समय समय पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी के साथ राज्य में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला लिया है। इस बीच रोज नए आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आइए एक नजर डालते हैं आज के आंकड़ों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 149 विधानसभा सीटें। वहीं अब चलते हैं समाजवादी पार्टी की ओर। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 200 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर मिल रही है 26 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही है 24 विधानसभा सीटें। अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर 4 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या उनको दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल होगी या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव।